हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड, ओह सॉरी सॉरी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? अरे हमें भी गुड मॉर्निंग याद रहता है। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा सामान लेना है। जैसे कि आपको पता है कि सबके यहाँ होली चल रही थी, तो आज हमारे घर का नंबर है। बाकी घर का तो हो चुका है, बट हमारे घर का आज है, तो 2:30-3 बजे से शुरू हो जाएगा। तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से थोड़ा सामान लेके आते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और आजकल मैं थोड़ी बिजी हो गई यार, समझ नहीं आ रहा कि ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं। जलेबी में कितने पैसे दे? 5 बजे में दे दो, कितने पैसे बता। हाँ हाँ, ये किसी, ये पर्स यही है शायद। ये लो, मैंने पहनी आपकी चप्पल। अरे मेरे को मिलती नहीं, मैं यही पहन लेती हूँ। हेलो, गुड, अरे गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही मैं? तो जी मैं आपको बता दूँ, सारी तैयारी हो चुकी है हमारे घर की। ये जो है ये जलेबी है, इसमें ये कोल्ड ड्रिंक है, इसमें क्या है, इसमें वो है वो नारी डॉक्टर होती है ना, जिसके अंदर सॉफ्ट निकलती है, वो मुँह मीठा के लिए। इसमें इसमें बटर रखा है, इसमें आलू रखे हैं, तो आलू में बना कर दिया। हाँ बेटा, अच्छा डोर खुला है, हमें वहां जाना है। अरे डमरू बज रहा है, तो राज मुझे बताने आया है कि अभी चेतन के, नहीं 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 सामने एक और घर है, उनके यहाँ पे आ गए हैं लोग और वहाँ ढोलक बज रही है, तो अभी हम वहाँ जाते हैं। क्योंकि हमारे घर के आगे धूप थी, पहले प्रोग्राम था हमारे घर के यहाँ करने का, बट हमारे घर के आगे धूप है, तो अब हम जाएंगे उनके घर, फिर उनके घर से शायद एक घर और जाएंगे और फिर हमारे घर के आएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो हमारे घर के आगे धूप हो रही है, पूरा धूप ही धूप हो रही है, तो इस वजह से प्लान हमारे घर का कैंसिल हो गया है। अब हमारे घर आएंगे बाद में, और सारी तैयारी तो हो ही रखी है। तो जी हम लोग निकल गए हैं और जस्ट सामने है, इस साइड में है। ओके बाय, बोलो इसे। और पता है इतनी ज़्यादा धूप हो गई है आजकल, मतलब गर्मी हो गई है, और गर्मी भी ऐसी ऐसी नहीं है, गर्मी भी वैसी है कि बार बार धूप होना पड़ता। राज यार बहुत अच्छा बच्चा है राज। आज तो हम लोग पहुंच गए हैं और आवाज़ आ रही होगी आपको ढोलक की, तो बगल में ही। कर रही हैं वो किन्नर, या फिर आप उन्हें थर्ड जेंडर भी कह सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, घर में कोई भी मंगल काम हो, जैसे कि शादी हो गया, किसी बच्चे का जन्म हो गया, और उस टाइम पर किन्नर ना आए तो वो काम अधूरा माना जाता है। और जैसे कि मैंने सुना है, ऐसा माना जाता है कि अगर ये लोग खुश होते हैं और दिल से दुआएँ देके जाती हैं, तो घर में बहुत जल्दी जल्दी और अच्छे काम भी होने लगते हैं। ऐसा कहते हैं कि किन्नर की दुआएं किसी भी इंसान के जो बुरा टाइम चल रहा होता है उसको दूर कर सकती है। और जहां तक मैंने सुना है, तो अगर उसे सिक्का लेकर आप अपने पर्स में रखते हैं या फिर ऐसी जगह रखते हैं जहां पर आपका धन रखा हुआ है,
तो आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती है। Thank you.
चंदा चंदा देखी